राजस्थान अपडेट। पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा, जहां माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। वहीं शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर कस्बे के भ्रमण कर रामलीला मैदान पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त भी शामिल हुए। यह यात्रा कस्बे के गिरधारीदास मंदिर से शुरू होकर नारायणपुर तिराया अलवर बासवैन सहित मुख्य मार्गों से होते हुए गाजे बाजे के साथ निकाली गई। वहीं विधायक ने बताया कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र की भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। पूरे राम भक्त गांव गांव गली में इस कार्यक्रम को उत्साह से मनाने के लिए आतुर है, जहां आज बानसुर कस्बे के गिरधारीदास मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जहां कस्बे के सभी मार्गों में भ्रमण किया गया, जिसके बाद रामलीला मैदान में पहुंचकर अक्षत पूजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जो 22 जनवरी को जो हमारे राम मंदिर का जो लोकार्पण है, उसको लेकर लोगों में जो भारी उत्साह है, हमारे भाई नितिन ने और हमारे भाई साहब सतीश जी ने अपने प्रयासों से सभी से निवेदन करके और इस प्रोग्राम को इतना भव्य बनाया, इतना सुंदर बनाया है, और लोगों में जैसे उमंग और उत्साह इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा है। आने वाले 22 तारीख को सब मंदिरों में सजावट होगी, हर घर में दीपक जलेंगे और एक तरह से यहाँ राम राज्य की जो कल्पना हम करते थे, वही राम राज्य का स्थापना लंबे समय तक रहे और घर घर सनातन रहे, यही हमारी शुभकामना।